हेलो फ्रेंड्स, मैं सर शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटरल नी पेन, यानी कि घुटने के बाहरी हिस्से के अंदर जो दर्द होता है वो किन कारणों की वजह से होता है, उसके पॉसिबल रीजंस क्या होते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही आपने अगर हमारे चैनल पर ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारा प्रीमियम कंटेंट और गिव अवेज हमारे चैनल पर होते रहते हैं जो कि स्पेशली अवेलेबल होते हैं हमारे चैनल मेंबर्स के लिए, तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटरल नी पेन के बारे में, घुटने के बाहरी हिस्से के अंदर जो दर्द होता है वो किन कारणों की वजह से होता है। दोस्तों, इसके जो मोस्ट कॉमन रीजंस होते हैं, मोस्ट कॉमन जो कारण होते हैं, पहला होता है इलियोटिबियल बैंड फ्रिक्शन सिंड्रोम, यानी कि जो इलियोटिबियल बैंड है वो हमारे फीमर की जो लेटरल एपिकोंडाइल है उस पर जब आप फ्लेक्शन एक्सटेंशन ज़्यादा करते हैं, जैसे कि जो रनर्स होते हैं उसमें रिपीटेटिव फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है, तो वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट रब होता है इलियोटिबियल बैंड फीमर के लेटरल एपिकोंडाइल पर, जिसकी वजह से आपको घुटने के बाहरी हिस्से में दर्द हो सकता है। दूसरा पॉसिबल कॉज होता है जो मोस्ट कॉमन भी होता है, पहला मोस्ट कॉमन कॉज हो गया आपका इलियोटिबियल बैंड फ्रिक्शन सिंड्रोम। दूसरा जो पॉसिबल कॉज होता है वो होता है कि आपके लेटरल मेनिस्कस में कोई टीयर हो जाए या कोई आपको एबनॉर्मलिटी हो लेटरल मेनिस्कस की। तो ये दो जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण होते हैं, मोस्ट कॉमन कारण होते हैं लेटरल नी पेन के। लेस कॉमन रीजंस की मैं बात करूँ, लेस कॉमन कारणों की मैं बात करूँ कि इनकी वजह से भी आपको लेटरल नी पेन, घुटने के बाहरी हिस्से में दर्द हो सकता है, उसमें होता है कि जो आपका बाइसेप्स फीमोरिस का टेंडन है उसकी टेंडिनोपैथी हो जाए, ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से अगर आपके लेटरल नी के कंपार्टमेंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाए या कोई सिस्ट डेवलप हो जाए उसकी वजह से भी आपके घुटने के बाहरी हिस्से में, आपके लेटरल नी के अंदर पेन आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताया कि जो लेटरल नी पेन होता है, घुटने के बाहरी हिस्से में जो दर्द होता है वो किन कारणों की वजह से होता है। दोस्तों, आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you for watching Physio Talk.